स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और क्लास 9 से एक्सरसाइज 20D करने वाले हैं हम। लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था, तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विच ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपको दिए हुए हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या है, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। 11th का फर्स्ट ए दिया है 7.0, बी है 6.3 और सी है 12.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी और सी, ए की जगह पे 7.0, फिर कहीं पे बी की जगह पे 6.3 और सी की जगह पे 12.5। अब ये देखो, गारंटीड नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है। ऐसे ही है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, तो समझाने के लिए लिया था उसके ऊपर लिख दिया है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे। अब हमको एक बात पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको x1 y1 ले रहे हैं और इसको x2 y2 ले रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। तो ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना होगा x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर, y2 - 1 y1 0 - 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, √10 रहने देते हैं अभी। फिर इसके बाद इसी तरह से जैसे ए बी का हमने निकाला है, वैसे ही हमको निकालना होगा डिस्टेंस बी सी का। अब बी सी के लिए इसको ले लेते हैं x2 y2 और इसी को ले रहने देते हैं x1 y1। तो यहाँ हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 12 - 6 का होल स्क्वायर है ना x2 - x1 और y2 - y1 5 - 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 + 4 √40। √40 को 2√10 भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4। फिर इसके बाद कौन सा बचा है, लास्ट वाला सी ए, तीसरी साइड निकालते हैं। अब सी और ए में देखो, ज़्यादा वैल्यू के साथ ये है, तो x2 y2 इसको रख देते हैं और इसको x1 y1 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। मैंने ए वाले को x1 y1 लिया है, तो 12 - 7 का होल स्क्वायर और 5 - 0 का, 12 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 12 - 7 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, √25 + 25 √50, है ना। अब यहाँ पे सिंस वी सी दैट सबसे बड़ा वैल्यू यही है और ये दोनों छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे देखो ए बी का स्क्वायर जो है प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे √10 का स्क्वायर प्लस 2√10 का स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर, यानी कि 10 + 40 इज इक्वल टू 50, तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो देयरफॉर फॉलो कर रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही हमको सब में करना होगा बस।
अब इसको और जल्दी कर लेंगे सेकंड वाले को। यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट है 2,0, फिर ई का कोऑर्डिनेट है 5,2 और एफ का कोऑर्डिनेट है 1,8। कोई भी दो दो लेके चलते हैं, है ना। सबसे पहले डी ई की लेंथ फाइंड करते हैं। फॉर्मूला फिर वही x2 - x1, तो इसको ले लेते हैं x2, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। ऐसे जल्दी हो जाएगा हमारा, वरना बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो 5 - 2, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आया, √9 + 4, यानी कि √13। ऐसे ही ई एफ, अब ई एफ में भी देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली है ना। बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन आएगा, होल स्क्वायर करोगे तब भी सेम आ जाएगा। तो पहले मैं इसको ले रहा हूँ, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर 8 - 2 का होल स्क्वायर, √1 - 5 का होल स्क्वायर + 8 - 2 का होल स्क्वायर, −4 का होल स्क्वायर + 6 का होल स्क्वायर, 4 × 4 = 16 + 36 कितना आएगा, 36 और 16 = 52 होता है, तो √52 आ गया। अब इसी तरीके से एक और निकालते हैं, और वो है हमारा df। df वाले में क्या हो जाएगा, किसी एक को कर लो, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर और 0 - 8 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। अब देखो दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, −8 का होल स्क्वायर, तो √1 + 8 = 64 कितना आ गया, √65 आ गया। अब यहाँ पे भी देखो, जहाँ √65 आया वहाँ पे देखो सबसे बड़ा वैल्यू ये है और ये दोनों छोटा छोटा, तो डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। चेक करें तो डी का स्क्वायर यानी कि √13 का होल स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर यानी कि √52 का होल स्क्वायर, डी एफ यानी कि √65 का होल स्क्वायर कितना आया, ये 13 + 52 = 65। तो देखो परपेंडिकुलर बेस दोनों में से कोई एक होगा इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो देयरफॉर डी ई एफ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला भी करते हैं। एक और है, थर्ड वाले में है −4,0 q − 2,5 and r −4,-1। तो इसमें भी सबसे पहले हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, −2 - −4 है ना, दो टाइम माइनस आ जाएगा, साइन किसका लग जाएगा, पॉजिटिव वाला। −2 पहले लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर −4 का ऐसे कर देते हैं होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x2 - −x1 है ना, प्लस y2 5 है, −y1 0 है, होल स्क्वायर कितना आया, −2 + 4 का होल स्क्वायर, 5 × 5 = 25, तो √2 का होल स्क्वायर + 25, यानी कि 25 + 4 √ में, यानी आया √29। सेकंड वाला देखते हैं, क्यू आर 4 - 2, तो 4 - −2 इसका होल स्क्वायर करना होगा,
फिर माइनस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस प्लस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, फोर माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर और फिर ये माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट चार दो छः का होल स्क्वायर प्लस छः का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा 36, अंडर रूट 36 प्लस 36 कितना आया, अंडर रूट 72 आ गया। ठीक है, अभी थर्ड वाला निकालना होगा हमको पी आर, पी आर में भी चूज करो किसी को, 4 माइनस माइनस 4, अच्छा इसको पहले ले लेते हैं तो कट जाएगा इससे, अच्छा माइनस फोर तो माइनस एट आ जाएगा, कोई नहीं किसी को भी पहले बाद में ले, इसी को पहले ले रहे हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 4 माइनस माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 आता है यानी कि अंडर रूट हो गया तुम्हारा ये 64 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 65। अब दो छोटी छोटी वैल्यूज कौन है, 65 और 29 है ना, तो दो छोटी वैल्यूज को लेते हैं, कौन सा है दो छोटी वैल्यूज, अंडर रूट 29 रूट 65 सिंस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि रूट 29 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 65 का स्क्वायर यानी 29 प्लस 65 नौ पाँच 14 के 4 कितना हो गया 94, एंड सबसे बड़ा कौन था क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 72 का होल स्क्वायर इक्वल टू 72, तो सिंस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर देयरफॉर पी क्यू आर इज नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं टोटल। सबसे पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी आर 042533, प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, दोनों चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट ए बी सी दिया हुआ है, लिख लेते हैं ए 0.4, बी 2.5 और सी 3.3 दिया हुआ है ये, तो सबसे पहले लेंथ निकालते हैं ए बी की, ए बी यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया 1 का होल स्क्वायर यानी आंसर कितना आया, 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5 ये आ गया। फिर उसके बाद बी सी की वैल्यू निकालते हैं, एक्स टू वाई टू है लो, इसको एक्स वन वाई वन ले ले रहे हैं, तो बी सी में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर जैसे लिखे हैं वैसे ही 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आया, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 टू जा 4 आएगा यानी अंडर रूट 5। अभी देखो आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए काफ़ी हो गया, हो गया आइसोसेलेस, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा एसी की भी वैल्यू निकाल लें, एसी की कितनी आएगी, किसको ले लें, एसी को ले लेते हैं, 2 2 कर लेते हैं और ये 1 1 है ही, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर y2 टू माइनस वाई वन यानी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 प्लस और ये कितना आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10 आ रहा है,
अच्छा, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी देयर फॉर इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो हो गया मेरा। अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, हमको प्रूव करना है कि ये वो भी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आएगा, रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन। और ए सी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, अकेला रूट टेन का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन। तो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है ना, ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो देयर फॉर इट्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये सिंबल यूज कर ले रहे हैं हम, आप सिंबल नहीं यूज करना, पूरा लिखना। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट होंगे कौन से, ए बी और बी सी होंगे, यानी वन बाई टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव, कितना आ जाएगा फाइव बाई टू, रूट फाइव से रूट फाइव फाइव हो जाएगा, फाइव बाई टू कितना आएगा टू पॉइंट फाइव। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, है ना, तो टू फाइव पॉइंट फाइव स्क्वायर यूनिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का सेकंड भी है। अब ट्वेल्थ के सेकंड में देखो कह रहा है, शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, इज इट ए स्क्वायर, पूछ रहा है पहले कह रहा है कि शो करो ये रोम्बस, और फिर पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो फिर फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, ए 3.5, बी 1.1, सी 5.3, डी 7.7। अब यहाँ पे सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का, वाई टू माइनस वाई वन का इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर का होल स्क्वायर। टू टू या फोर प्लस फोर फोर या सिक्सटीन अंडर रूट ट्वेंटी। फिर इसी तरीके से बी सी का, बी सी वाले में भी फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर वाई टू थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, फोर फोर या सिक्सटीन प्लस टू टू या फोर अंडर रूट ट्वेंटी। रोम्बस तो है ही, कह ही रहा है शो कर दो बस। उसके बाद देखते हैं बी सी के बाद सी डी, सी डी में भी सेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो टू का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, टू टू या फोर प्लस फोर फोर या सिक्सटीन कितना आ गया अंडर रूट ट्वेंटी। एक और बच्चा है और वो है डी ए। अब यहाँ पे डी को लेते हैं एक्स टू वाई टू, तो सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, फिर सेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर, सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेवन माइनस थ्री फोर का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, सिक्सटीन प्लस फोर यानी कि अंडर रूट ट्वेंटी। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए देखो, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए
ए बी बी सी सी डी डी ए देयर फॉर इट्स अ रोम्बस। इतनी बात तो कंफर्म है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए रोम्बस में और स्क्वायर में फ़र्क क्या है। देखो, रोम्बस ऐसा होता है और स्क्वायर ऐसा होता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि स्क्वायर में जो डायगनल होता है ना वो इक्वल होता है, जबकि रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं ना उनकी लेंथ अलग होती है। तो अब हम निकालेंगे इसमें डायगनल। तो ए बी बी सी सी डी डी ए, तो डायगनल कैसा बनेगा? सबसे पहला डायगनल जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा ए सी। तो डायगनल ए सी विल बी इक्वल टू, देखो ए सी में आओ, ए और सी, 5 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? √2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी √8 आ गया। फिर उसके बाद एक डायगनल ए सी हो गया, दूसरा डायगनल बी डी होगा। डायगनल बी डी की वैल्यू क्या होगी? बी और डी, ध्यान से देखें, बी यहाँ है, डी यहाँ, 7 - 1 का होल स्क्वायर 7 - 1 का होल स्क्वायर 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 + 36 इज इक्वल टू √72। तो सिंस डायगनल्स आर नॉट इक्वल, है ना, आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्क्वायर। अच्छा, एरिया निकालनी है ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? इज इक्वल टू, पहले तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, और इसको हाफ इंटू डी वन इंटू डी बी भी डी टू भी कहते हैं। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, डायगनल अभी निकाले, √72 × √8 कितना आ जाएगा? 1/2, और अंडर रूट में 72 × 8 = 576। अब 576 किसका होता है? 24 का, 2 × 1 = 212। आंसर कितना आया? 12 square unit, ये हमारा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में, सॉरी 13, शो दैट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ए बी सी आर फलाना फलाना। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बी सी सी ए, सबकी वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, तब जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1, √3 b 3, √3 c 2, √3 ए बी सी। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस 3 - 1 का होल स्क्वायर √3 - √3 का स्क्वायर तो यहाँ पे 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 3 में से 3 गया तो क्या बचा? 0, यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 बचा आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हारी 2 आ गई। फिर इसके बाद अभी ए बी के बाद बी सी देख लो, इसको ही ले लो पहले, ये किसी को भी ले लो, कोई नहीं, 2 - 3 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर और 2 + √3 - √3 का होल स्क्वायर यानी इसको मैंने x1 y1 लिया और इसको x2 y2 माना है। ये सब आप चेक करते रहना। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 में से √3 जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, तो कितना आया? -1 का स्क्वायर 1 आया प्लस √3 का, सॉरी 3 आया,
यानी अंडर रूट 4 यानी कि 2 आ गया, दो तो इक्वल आ गया, अब तीसरा भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा इक्वल। लास्ट वाला है ए सी, ए सी वाले में एक्स टू वाई टू इसी को रहने दो, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 रूट 3 माइनस रूट 3 का, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कितना है अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 4 यानी कि 2। अब तीनों साइड इक्वल हैं, सिंस ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी ए, देयरफॉर ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या था, शो द पॉइंट्स -2, 6, 5, 3, -1 और 11 आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के वर्टिसेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, रेक्टेंगल का वर्टिसेस करने के लिए आपको सबसे पहले तो दो दो साइड अपोजिट में इक्वल आनी चाहिए, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। -2, 6 ए ले लेते हैं, फिर बी है 5, 3 सी है -1, -11 और डी ले लेते हैं -8, 8 ठीक है। नाम लिख दिया बस मैंने सबका। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे ए बी की, 5 -2 तो 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9 तो 49 + 9 कितना आ जा रहा है, अंडर रूट 49 = 58 अंडर रूट 58 आ गया। ए बी आ गया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी में इसको पहले ले लेते हैं, तो -1 - 5 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कितना आ गया, -6 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 = 36 आया और ये 14 × 14 = 196 आया। ओहो ज़्यादा आ गया ना, तो अंडर रूट 232 आ रहा है, कोई नहीं। फिर उसके बाद बचा है सी डी, सी डी में देखो -8 - 1 लेते हैं हम, -8 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - -11 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट में, -8 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 + 11 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर प्लस 11 × 19 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 7 × 49 + 19 = 19 कितना होता है, कुछ गलत है क्या, 8 - 1 = 6 आना चाहिए, और 8 और -11 है ना, -8 - -8 इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, ओहो हो हो -8 - -8 दो बार है, यानी कि यहाँ पे भी -8 ही है, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, -8 + 11
49 और 3 जा 9, कितना आ जाएगा अंडर रूट 58 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा बचा है, AD, दोनों माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस मैंने लगाया नहीं है, तो माइनस 8 माइनस माइनस 2 और माइनस 8 प्लस 6, सॉरी माइनस 6, तो माइनस 8 माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये कितना आ रहा है 8 से 14 माइनस 14 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहीं पे 8 में से 2 गया माइनस 6 का होल स्क्वायर और फिर प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर, 6 जो 36 196 232। दो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, कौन कौन सी, दो बार रूट 58 दो बार रूट 232 आया है, तो सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, देयर फोर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट ओरिजिन, सर्कल का सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन यानी 0,0 पे है, और रेडियस कितनी दी हुई है 10, डिस्टेंस कितना दिया है 10, टेल वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि ऑन सर्कल, इनसाइड सर्कल या आउटसाइड सर्कल। अब मेरी बात सुनो, अगर हम 0,0 से मान लो पहला पॉइंट ले लिया 6,8 का, अगर ये डिस्टेंस हमारा 10 आता है मतलब ऑन सर्कल, लेस देन 10 आता है यानी इनसाइड सर्कल, और डिस्टेंस अगर मोर देन 10 आता है तो यानी कि आउटसाइड द सर्कल। बात समझ में आई, ये डिस्टेंस जो है रेडियस का उससे ज़्यादा आया तो आउटसाइड, इक्वल आया तो ऑन द सर्कल, कम आया तो इनसाइड द सर्कल। तो पहले इसी का निकालते हैं, फर्स्ट केस में 6,8, 6 माइनस 0 का डिस्टेंस इक्वल टू 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 या कोई नहीं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 36 प्लस 64 कितना आया 100 इक्वल टू 10। अब देखो इक्वल है ना, रेडियस के इक्वल, तो ये कहाँ आएगा ऑन द सर्कल। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, दूसरा 0,0 है और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस के लिए दिया है यहीं पे क्वेश्चन में 0,11, ठीक, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस कितना आ रहा है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 कुछ नहीं आएगा, 11 माइनस 0 11 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 121 यानी 11, 10 से ज़्यादा आ रहा है तो therefore 8 lies outside the circle, सर्कल से बाहर है। फिर इसके बाद कौन सा है, थर्ड देखते हैं, बहुत सारे हैं अभी, तो थर्ड वाले में है माइनस 10,0 और ये कितना है 0,0 है ओरिजिन, तो माइनस 10 माइनस 0 अब प्लस 0 माइनस 0 कितना आएगा माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 0,0 कुछ नहीं, 10 जा 100 कितना आया 10, तो लाइज ऑन द सर्कल, बता दिया हमने। फिर फोर्थ वाला है 7,7, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, 7,7 और दूसरा होगा 0,0,
एक्स टू वाई टू यही आएगा, एक्स वन वाई वन ये रहेगा, ताकि आसानी से माइनस हो जाए बिना साइन डिफरेंस के। सेवन का होल स्क्वायर प्लस सेवन का होल स्क्वायर अंडर रूट 49 प्लस 49 अंडर रूट 98। ये जो रूट 98 है रूट 100 से कम है, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं सिंस अंडर रूट 98 लेस देन 10 है ना, तो देयर फॉर बिना कैलकुलेट किए लाइज इनसाइड द सर्कल, तो इसलिए सर्कल के अंदर लाई करेगा। फिर इसके बाद अभी और भी हैं, और कहाँ है, बस एक ही है। फिफ्थ माइनस 9.4 और 0.0 जो सेंटर का एक्स टू वाई टू यही रहेगा मेरा एक्स वन वाई वन। तो फिर डिस्टेंस देखो माइनस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट 81 प्लस 16। 81 और 16 कितना होता है अंडर रूट 97। तो ये भी वैसे ही लिख लो, रूट 97 इज लेस देन 10 देयरफॉर इनसाइड द सर्कल। अब इसके बाद देखो तीन क्वेश्चन है और, क्वेश्चन नंबर 16 है। द पॉइंट 2, -5 इज मैप्ड इनटू पॉइंट पी डैश ऑन द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस एंड क्यू 3.7 इज मैप्ड ऑन टू द पॉइंट क्यू डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, फाइंड द लेंथ पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। ओके ओके ओके, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है ये। सबसे पहले तो देखो आसानियों के लिए ये बनाओ, ये रहा तुम्हारा ओरिजिन, ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, पॉइंट कितना था 2.-5 यानी एक्स पॉजिटिव और माइनस फाइव, यहाँ रहेगा होगा पी 2.-5, रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो उधर जाएगा यानी 2.5 पी डैश, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना, ये तो पॉइंट गिवन था तो इसका रिफ्लेक्शन इधर ही होगा, एक्स एक्सिस से करवाना था इसको, ये शीशे की तरह काम करेगा, इसके उस पर रिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद 3.7 और ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाना है ये क्यू वाले को, तो क्यू डैश इधर आएगा ऐसे क्यू डैश। तो अगर रिफ्लेक्शन करवाएंगे हम क्यू डैश का तो ये दोनों ही किस में आ जा रहे हैं, नेगेटिव वाले सेक्शन में, कितना हो जाएगा -3 -7। अब तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, किसका पी क्यू का और पी डैश क्यू डैश का। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पी, पी का मतलब हुआ 2.-5 और क्यू का लिख लेते हैं पी क्यू, क्यू का कितना दिया है 3.7। तो डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कितना हुआ इसको एक्स ले रहे हैं, तो 3-2 का होल स्क्वायर प्लस 7-5 का होल स्क्वायर यानी 3 में से 2 जाएगा 1 का होल स्क्वायर और 7+5 का यानी कि अंडर रूट में 1+12 का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में 1+144 इक्वल टू अंडर रूट 145, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। जो आएगा निकालते रहना आप, आंसर में कितना अच्छा इतना ही दिया है। फिर उसके बाद पी डैश इज इक्वल टू 2.5 और क्यू डैश -3 -7 इसी को एक्स टू वाई टू ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्स वन वाई वन। पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू अंडर रूट -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -7 -5 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट में -5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर 25+144 अंडर रूट 169 = 13, ठीक है 13 यूनिट आ जाएगा ये। अब इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। पी क्यू हैव कोऑर्डिनेट 4, 1 एंड 2, 0
फाइंड द इमेज पी डैश ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, द इमेज ऑफ क्यू डैश क्यू अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन पी पी डैश। ओहो, इस वाली लाइन पे इस क्यू वाले भैया का रिफ्लेक्शन करवाना है। अच्छा, लेंथ ऑफ पी डैश क्यू डैश वो तो जाना चाहिए यहीं पे, नहीं है फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, यहाँ कर लेते हैं। ऐसे हमने बना दिया वाई एक्स, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फिर उसके बाद आपको पता ही है कैसा होता है ये। अब इसके में सबसे पहली चीज़, पी क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, पी का 4,1 है, तो पी यहाँ कहीं 4,1 होगा और क्यू का 2,0 है, क्यू का 2,0 है, यानी कि यहीं पे होगा कहीं पे 2,0, किसका, क्यू का। अच्छा, पी का रिफ्लेक्शन किस में करवाना था, वाई एक्सिस में, इसका रिफ्लेक्शन इधर जाएगा अगर वाई एक्सिस में, तो 4,1 है इस साइड में, -4,1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर क्या होता है एक्स नेगेटिव होता है, तो एक्स नेगेटिव होने की वजह से इधर ये बन गया पी डैश। अब पी पी डैश एक लाइन है, इसका रिफ्लेक्शन इसमें करवाना है, है ना, तो क्यू का कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी पी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक ही के ऊपर है, तो ये उस पर जाएगा, हाइट कितनी है, सिर्फ 1 है और यहाँ पे इतना है, तो हाइट 1 है तो एक यूनिट और ऊपर चला जाएगा, है ना, बिल्कुल यहाँ चला जाएगा इधर कहीं पे, तो देखो कितना जाएगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, है ना, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 है, तो 1 और पीछे लेके जाते हैं और बगल में यहाँ लेके जाते हैं, तो 1 1, तो y कितना आ गया, q डैश के लिए y आ गया 2 और x तो चेंज होगा ही नहीं, तो q डैश कितना आ गया, डैश ऊपर लगाते हैं, q डैश आ गया तुम्हारा 2,2, ठीक है, तो p डैश आया -4,1 और q डैश आया तुम्हारा 2,2। अब इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है हमसे, डिस्टेंस है ना पी डैश क्यू डैश का, तो डिस्टेंस पी डैश क्यू डैश का, सामने दोनों पॉइंट्स हैं, 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये, 2 + 4 का होल स्क्वायर अब +1 का होल स्क्वायर, 4 × 2 = 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 36 + 1 इज इक्वल टू 37, वो भी रूट का, रूट का 37 इसकी वैल्यू आ गई। अभी एक और बचा हुआ है, वन लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पॉइंट है ए, 5,1 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 13 यूनिट, सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस है 13 यूनिट, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड पी क्यू, बी का पॉइंट दिया है 2,-3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी पी बी एंड पी क्यू। क्वेश्चन देखो पहले अच्छे से एकदम, यहाँ पे एक सर्कल दी हुई है, कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ए है, बी है, पी है, क्यू है, ये 90 डिग्री है और ये 13 यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बी का दिया हुआ है 2,-3, 2,-3 लिखा हुआ है। अब बी जो है वो मिड पॉइंट है,
है ना, ए का पॉइंट कितना है 5,1, लो मिल तो गया ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी। तो ए कितना है 5,1, बी कितना है 2,-3, ये x2y2 x1y1, तो ए बी का डिस्टेंस तुरंत निकालते हैं 2-5² प्लस y2-y1 यानी कि -3-1² तो -3² प्लस -4² 3×3=9 प्लस 4×4=16 √25=5 आ गया ए बी का वैल्यू। अब ए बी के बाद किसका वैल्यू पूछा है हमसे, ए बी के बाद ये पूछ रहा है पी बी का। अब जब ए बी का 5 आ गया है तो सिंस ट्रायंगल ए पी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफोर ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए पी यानी कि 13² माइनस 5² 169-25 यानी 144, तो पी बी का स्क्वायर इक्वल टू 144, तो पी बी इज इक्वल टू √144 इक्वल टू 12, कितना आ गया है पी बी 12 आ गया। अब किसकी वैल्यू पूछा है हमसे, पूरा पी क्यू का, पी से लेके क्यू का, तो सिंस पी क्यू इक्वल टू 2 × पी बी, सिंस बी इज मिड पॉइंट, तो देयर फोर पी क्यू इक्वल टू 2 × 12 इक्वल टू 24 यूनिट। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, आई होप यू अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो वो बताइएगा। अब हर बार x2-x1 अगर मैं लिखता तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।